सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल सिविल डिकोडर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक टॉपिक, ब्रिकवर्क टर्मिनोलॉजी। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिकवर्क के दौरान हमारे किन किन टर्म्स का यूज होता है और ब्रिकवर्क करने में हमारे किन किन टर्म्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो कि हमारे साइट या बिलिंग हर केस में यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीम फिलिंग की, यानी कि ब्रिकवर्क हम करते हैं जब भी, तो हमें उसमें बीम फिलिंग कहाँ पे आता है और बीम फिलिंग किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द फिलिंग ऑफ द गैप बिटवीन द सीलिंग लेवल एंड द वॉल बियरिंग लेवल एक्सक्लूडिंग द पोर्शंस ऑक्यूपाइड बाय द बीम्स राफ्टर्स एक्सेट्रा, यानी कि जो पोर्शन हमारा ब्रिकवर्क और बीम के बीच में बच जाता है ब्रिकवर्क के द्वारा, उससे जब हम फिल करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बीम फिलिंग। जनरली हमारा बीम फिलिंग जो होता है वो ब्रिकवर्क और बीम के बीच में की गई फिलिंग को बीम फिलिंग कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज बॉन्ड। तो आप जानते हैं कि बॉन्ड किसे कहते हैं ब्रिकवर्क में। द अरेंजमेंट ऑफ द ब्रिक्स इन सक्सेसिव कोर्सेज टाइज द ब्रिकवर्क बोथ लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली। द अरेंजमेंट इज यूजुअली डिजाइन टू इंश्योर दैट नो वर्टिकल जॉइंट ऑफ वन कोर्स इज एग्जैक्टली ओवर द वन इन नेक्स्ट कोर्स अबव और बिलो इट एंड देयर इज ग्रेटेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ लैप। यानी कि पूरे ब्रिकवर्क के अरेंजमेंट को इस हिसाब से रखते हैं कि कोई भी उसका जो वर्टिकल ज्वाइंट है वो एक दूसरे के ऊपर ना आए और हमेशा उनके बीच में एक पर्याप्त लैप मौजूद हो। उसे ही हम पूरे अरेंजमेंट को ब्रिक को साथ में टाई करने को बॉन्ड कहते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज कोपिंग और वेदरिंग। कोपिंग और वेदरिंग ब्रिकवर्क में किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं। द कवर अप्लाइड ओवर और द सिमेट्रिकल फॉर्म गिवन टू अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर टू इनेबल इट टू शेड रेन वाटर। किसी भी ब्रिकवर्क या बाउंड्री के ऊपर जब हम कोई भी एक ऐसा कवर अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा बारिश का पानी ब्रिकवर्क को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, हमारे बाउंड्री को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोपिंग। वो किसी भी डिफरेंट शेप का हो सकता है जो कि पानी को इजिली बाउंड्री के ऊपर से रिमूव कर सके, उसे हम कोपिंग या वेदरिंग कहते हैं। सो आवर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज कॉर्बेल, यानी कि ब्रिकवर्क में हमारा कॉर्बेल क्या होता है। अ कैंटिलीवर प्रोजेक्टिंग From the face of a wall to form a bearing, यानी कि एक cantilever projection होता है brickwork या boundary के ऊपर हमारा, जो कि एक bearing का form ले लेता है, ऊपर में जो उसकी width है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो उसे ही हम corbel कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं cornice की, यानी कि किसी brickwork में हम cornice किसे कहते हैं। A horizontal ornamental feature projecting from the face of a wall, यानी किसी भी wall से हमारा जो कोई भी ornamental feature या architectural appearance या कोई भी design हम wall के बाहर exterior face में बनाते हैं तो उसे हम कॉर्निस कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक कॉर्निस है जो कि किसी भी एक्सटर्नल वॉल या टेरेस या पैरापेट वॉल के ऊपर ये डिजाइन की गई है, तो इसे ही हम ऑर्नामेंटल डिजाइन को कॉर्निस कहते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कोर्स की, यानी कि ब्रिकवर्क में हमारा कोर्स क्या होता है और वो कहाँ पे होता है। लेयर ऑफ ब्रिक्स इंक्लूडिंग बेड मोर्टार, यानी कि जब भी हम ब्रिकवर्क करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ब्रिकवर्क के लिए लेआउट करते हैं। लेआउट कंप्लीट होने के बाद हम वहां एक मोर्टार की लेयरिंग करते हैं, कोर्स बिछाते हैं, उसके साथ जो फर्स्ट लेयर हमारा बिछता है ब्रिकवर्क का, उस बेड मोर्टार और ब्रिकवर्क की फर्स्ट लेयर को मिला करके हम उसे कोर्स कहते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज डैम प्रूफ कोर्स, यानी डीपीसी भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो हमारे ब्रिकवर्क में डीपीसी कहाँ करते हैं। लेयर ऑफ इम्परवियस मटेरियल लेड और इंसर्टेड इन स्ट्रक्चर टू अरेस्ट द परमिएशन ऑफ डैम्पनेस, यानी कि हमारे स्ट्रक्चर में कहीं से भी डैम्पनेस या मॉइस्चर ना है, इसके लिए हम डीपीसी की एक लेयर बिछाते हैं, डैम्प प्रूफ कोर्स करते हैं, जो कि जनरली प्लिंथ बीम के ऊपर करते हैं ब्रिकवर्क शुरू करने से पहले और थोड़ा सा फ्लोरिंग के साइड में भी कर लेते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, तो इसे हम डीपीसी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की, जो की है इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस क्या होता है। A powdery encrustment of salts left by evaporation. This may be visible on the surface or may be below surface. In the latter case, this termed as cryptofluorescence. यानी fluorescence कुछ नहीं होता, जब भी हमारा brickwork किसी भी sunlight या उसके through आता है तो जो भी उसमें के moisture होता है वो evaporate हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ white spots या salts हमारे brickwork के ऊपर left हो जाते हैं, जिसे हम efflorescence कहते हैं। ये हमारा plaster के बाद भी दिखाई दे सकता है। Now our next terminology is footing, यानी कि brickwork से हम footing कहाँ बनाते हैं और footing का क्या use है। A projecting course or courses formed at the base of a wall to spread the load. किसी भी wall को खड़ा करने से पहले अगर हम उसके base में कुछ courses को बाहर की तरफ spread करते हुए हम footing का रूप दे देते हैं तो उसे ही हम footing कहते हैं। ये courses generally पहले के घरों में या मकानों में use होता है, अब ये थोड़ा सा provision में कम है, but फिर भी brickwork की footing से हम ब्रिक वॉल को उसके ऊपर खड़ा कर सकते हैं इजीली। नाउ आवर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज हेडर,
यानी कि ब्रिकवर्क में हम हेडर किसे कहते हैं, ब्रिक लेड विथ इट्स लेंथ अक्रॉस द वॉल, यानी कि जब भी हम ब्रिकवर्क करते हैं उसके कोर्सेज बिछाते हैं, तो ब्रिक का जो हेड है अगर वो हमारा फ्रंट फेसिंग होता है, फेस ऑफ द वॉल में आता है, और उसके ही कोर्सेज हमारे एक एक लेयर में होते हैं, तो उसे हम हेडर कोर्स या हेडर बोलते हैं, तो वही हमारा ब्रिकवर्क में हेडर कहलाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टर्मिनोलॉजी की तरफ, जो कि है इंडेंटिंग, यानी कि ब्रिकवर्क में इंडेंटिंग हम किसे कहते हैं। द लिविंग ऑफ रिसेसेस इनटू व्हिच फ्यूचर वर्क कैन बी बॉन्डेड, यानी कि किसी भी ब्रिकवर्क में हम थोड़ी सी हर जगह हेडर को निकाल करके कुछ रिसेसेस, कुछ खाली जगह बनाते हैं, ताकि हम फ्यूचर में अगर कुछ एक्सटेंशन करना हो या कोई वॉल उस वॉल में जाकर ज्वाइंट होनी हो, तो उसमें इजिली हेडर के थ्रू ज्वाइंट हो सके, तो उसे ही उसी जगह को हम इंडेंटिंग कहते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज जैम्ब, यानी कि ब्रिकवर्क में जैम्ब क्या होता है और ये कहाँ लाई करता है। द पार्ट ऑफ द वॉल एट द साइड ऑफ एन ओपनिंग, उसे हम जैम कहते हैं, यानी कि किसी भी ब्रिकवर्क में जब हम कोई ओपनिंग छोड़ते हैं, चाहे वो विंडो के लिए हो चाहे वो डोर्स के लिए हो, तो जो साइड आता है हमारा, उसी ओपनिंग के साइड को हम जैम कहते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सिविल इंजीनियरिंग में, तो इसको आप जरूर याद रखें, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज ज्वाइंट, यानी कि ब्रिकवर्क में ज्वाइंट कहाँ होता है और ज्वाइंट किसे कहते हैं। सिंपल सी भाषा में जंक्शन ऑफ ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स का हमारा जहां भी जंक्शन होता है, चाहे वो वर्टिकल जंक्शन हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल जंक्शन हो, जब भी हम ब्रिक को ले करते हैं मोटर के ऊपर, तो हॉरिजॉन्टली ले करते हैं और वर्टिकली भी वो ज्वाइंट्स बनाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल, हम दोनों कंडीशंस में उसको ज्वाइंट ही कहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेड ज्वाइंट की, यानी कि ज्वाइंट के दो टाइप्स होते हैं, बेड ज्वाइंट और क्रॉस ज्वाइंट। तो बेड ज्वाइंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट इन अ ब्रिकवर्क और मेसनरी, यानी किसी ब्रिकवर्क या मेसनरी में जो हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बेड ज्वाइंट। And the next one is cross joint. The cross joint क्या होता है? A joint other than a bed joint normal to wall face. मतलब जो भी joint हमारा bed joint के अलावा जितने भी joint है या vertical vertical है wall के, तो उसे wall face के उसे हम क्या कहेंगे? Cross joint. Now our next terminology is jointing. यानी कि jointing किसे कहते हैं? The operation of finishing joints as the masonry work proceeds. जैसे जैसे masonry work होते जाता है, वैसे वैसे हम अपने joints को finish करते जाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, jointing कहते हैं। Now moving towards our next terminology, that is parapet. तो parapet क्या होता है? A solid or pierced guard wall for flat terrace or a balcony or a curved wall at the lower part of the pitched roof, which is exposed to atmosphere on face, back and top. पैरापेट क्या होता है, एक तरह का वाल होता है जो कि हमारे बालकनी या टेरेस पर टॉप में आउटर साइड में लगाते हैं, जो कि हमारा एटमोस्फेयर से एक्सपोज होता है, फेस के तरफ से भी, बैक के तरफ से भी और टॉप तक, यानी कि तीनों सरफेस जो हमारा होता है वो एटमोस्फेयर की तरह एक्सपोज होता है और एक तरह के गार्ड की तरह या रेलिंग की तरह यूज होता है, तो इसे हम पैरापेट वाल कहते हैं। सो अगला जो हमारा टर्म है ब्रिकवर्क में वो है परपेंट, यानी कि परपेंट किसे कहते हैं। एन अलाइनमेंट ऑफ क्रॉस जॉइंट्स व्हिच कैन बी चेक्ड विद अ प्लंब लाइन, जो भी हमारे क्रॉस जॉइंट्स हैं उसे हम इस तरह से अलाइन करते हैं कि जब हम उसे प्लम लगाकर चेक करें तो हमारे सारे क्रॉस जॉइंट्स एक लाइन में आने चाहिए, तो उसी अलाइनमेंट ऑफ क्रॉस जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, परपेंट कहते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज प्रोफाइल, तो ब्रिकवर्क में हमारा प्रोफाइल क्या होता है और इसका क्या इस्तेमाल है। अ गाइड यूज्ड फॉर सेटिंग आउट ब्रिकवर्क एक्यूरेटली, एक ये तरह गाइड की तरह होता है, ये एल शेप या एंगल के शेप में होता है, जिसे हम ब्रिकवर्क के इनर या आउटर फेस में लगा करके उससे एक्यूरेटली हम ब्रिकवर्क को करते हैं, इसी गाइड को हम क्या कहते हैं, प्रोफाइल कहते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज क्यूएन, क्यूएन क्या होता है ब्रिकवर्क में। एन एक्सटर्नल कॉर्नर इन द ब्रिकवर्क, यानी कि जो हम एक्सटर्नल कॉर्नर होता है ब्रिकवर्क का उसे हम क्यूएन कहते हैं। द टर्म मे ऑल्सो डिनोट द मैसनरी यूनिट बेस्ड टू फॉर्म द क्यूएन, जो भी हमारा कॉर्नर फॉर्म करता है ब्रिकवर्क या ब्रिक्स, उस पोर्शन को हम पूरे को क्या कहते हैं, क्यूएन कहते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज रैकिंग बैक, यानी कि रैकिंग बैक किसे कहते हैं ब्रिकवर्क में। स्टेपिंग ऑफ द अनफिनिश्ड एंड ऑफ द वॉल मेसनरी, यानी कि जब भी हम ब्रिकवर्क कर रहे होते हैं तो एंड ऑफ द डे हम ब्रिकवर्क खत्म कर रहे होते हैं, तो हम वहां पे स्टेप्स बना देते हैं ब्रिकवर्क में कोर्सेज के, जिसे हम रैकिंग बैक कहते हैं, ताकि जब हम अगले डे शुरू करें तो हमारा जो ज्वाइंट हो वो प्रॉपर रैकिंग बैक से बन सके। सो अगला हमारा जो टर्मिनोलॉजी वो है स्ट्रेचर, तो स्ट्रेचर क्या होता है। अ ब्रिक लेड विथ इट्स डायरेक्शन ऑफ वॉल, यानी कि वॉल के डायरेक्शन में जो ब्रिक अलोंग इट्स लेंथ हम जब ले करते हैं, बिछाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेचर कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टर्मिनोलॉजी की तरफ, जो है कि टूथिंग। ब्रिकवर्क में टूथिंग क्या होता है। ब्रिक्स लेफ्ट प्रोजेक्टिंग इन अल्टरनेट कोर्सेज टू बॉन्ड विद फ्यूचर वर्क्स,
यानी कि जब भी हम ब्रिकवर्क करते हैं तो एट द एंड हम क्या करते हैं कभी कभी कि फ्यूचर एक्सटेंशन को सोचते हुए ध्यान में रखते हुए हम ब्रिक्स में टूथिंग के शेप में, टूथ के शेप में, दांतों के शेप में हम ब्रिक्स को छोड़ देते हैं ताकि फ्यूचर एक्सटेंशन में हमें कोई दिक्कत ना हो और फ्यूचर में हमारे ब्रिक्स के जो बीच का बॉन्ड हो वो काफी बेहतर बन सके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज बैट। यानी कि बैट क्या होता है? एनी पोर्शन ऑफ अ ब्रिक कट और ब्रोकन अक्रॉस इट लेंथ यूजुअली नोन अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रैक्शन फ्रॉम द होल साइज, फॉर एग्जाम्पल हाफ बैट, 3/4 बैट एक्सेट्रा। यानी किसी भी ब्रिक के पोर्शन को अगर हम बीच से काटते हैं या कहीं से भी उसको काटते हैं अलॉन्ग इट्स लेंथ तो उसे हम बैट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाफ बैट भी होता है जहां पे हम ब्रिक आधे काटते हैं, अगर ब्रिक को हम 3/4 काटते हैं तो उसे हम 3/4 बैट भी कहते हैं। नाउ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इज क्लोजर। तो क्लोजर क्या होता है ब्रिक में? अ पार्ट ऑफ अ ब्रिक आइदर मैन्युफैक्चर्ड और कट फ्रॉम अ होल ब्रिक एंड यूज टू मेंटेन बॉन्ड। यानी कि ब्रिक का वो पार्ट जिसे हम कट करके या तो बनाते हैं या फिर फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करके भी बनाते हैं इस तरह के ब्रिक्स को जिससे हम बॉन्ड बना सकें। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा बेवल्ड क्लोजर। इसमें क्या करते हैं कि हम लेंथ के अलोंग फुल और हेड के अलोंग हाफ कट करते हैं तो ये हमारा बेवल्ड क्लोजर बन जाता है। किंग क्लोजर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने हेड के अलोंग भी हाफ लेते हैं और स्ट्रेचर के अलोंग भी हाफ लेते हैं तो हमारा किंग क्लोजर बन जाता है। और क्वीन क्लोजर में हम पूरे लेंथ के अलोंग ही हाफ कट कर देते हैं तो हमारा वो क्वीन क्लोजर बन जाता है। इस तरह से हमारे 3 क्लोजर होते हैं, बेवल्ड क्लोजर, किंग क्लोजर और क्वीन क्लोजर। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो और ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।